दिल्ली के बाद अब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने विस्तार में जुटी हुई है। वो यूपी में लगातार जनता की मांग उठाकर न सिर्फ जनता के बीच चर्चा बटोर रही है बल्कि मीडिया का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने इटावा में मटका फोड़ो आंदोलन चलाया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव ने अपनी अगुवाई में इसे अंजाम दिया। आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ो आंदोलन के जरिए सरकार पर जल जीवन मिशन योजना के नाम पर कई करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पार्टी के मुताबिक वर्ष 2020-21 में 1,20,000 करोड़ रुपए सभी राज्यों को इस मिशन के तहत आवंटित किए गए हैं, लेकिन प्रदेश में जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया है वो 8 राज्यों सहित CEIC के जरिए करप्शन में लिप्त होने के कारण बैन की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इसके बावजूद सभी नियमों को ताक में रखते हुए कंपनी को मंत्री जी की तरफ से पाइप सप्लाई का कार्य दे दिया गया है। ये जल मिशन योजना के अंतर्गत इन्होंने जो महाघोटाला किया है उसको देख के नटवर लाल भी शर्मा जाएंगे। ये बहुत बड़ा घोटाला है, उत्तर प्रदेश में एक महाघोटाला है। जितने भी घोटाले इन्होंने किए हैं उससे सबसे बड़ा घोटाला है। तो संजय सिंह जी ने ये घोटाले को खोला है। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, उसका पर्दाफाश कैसे किया है। दो विभाग, एक जल निगम और एक जल मिशन योजना। जल निगम उसको कम रेट में कर रहा है, जल मिशन योजना उससे दुगने रेट पे वही काम को कर रहा है, सेम उसी काम को। तो इसका 30,000 करोड़ का घोटाला इनका ये हमारे माननीय सांसद सिंह जी ने खोला है, जिससे ये सरकार बौखला गई है बुरी तरह से। उनके नाम FIR करा दी है और मुकदमों में उनको डाल दिया है। तो लेकिन संजय सिंह का कहना है कि आप मुकदमे 15,000 लगाइए, लेकिन मैं जनता के बीच जाके इन आपके घोटालों को आप पर्दाफाश करता रहूंगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये भी सच है कि विधानसभा चुनाव अगले वर्ष हैं। ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और तेजी पकड़ेगा। इटावा से दिल से यूपी चैनल के लिए डॉक्टर राहुल तिवारी की रिपोर्ट।